अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ताकतवर मिल्क शेप। ये मिल्क शेप सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो चलो देखते हैं ये मिल्क शेप कैसे बनाया जाता है। सब खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल ली है। थोड़े से बादाम डाल लेंगे, काजू डाल लेंगे, 1 कप दूध डाल लेंगे। इसे ना 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ढक्कन लगा के। 15 मिनट हो चुके हैं, आप इसे ना ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिए सब चीज़ों को। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। 1/2 किलो दूध डाल लेंगे, जो मैंने पेस्ट तैयार किया वो डाल लेंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हुई खजूरें डाल लेंगे, बारीक कटे हुए बादाम डाल लेंगे, कटा हुआ पिस्ता डाल लेंगे, थोड़ी सी सौंगी डाल लेंगे, 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध को उबाला आने तक मीडियम आंच पर इसे पका लेंगे। दूध हमारा उबलना शुरू हो गया, इसे 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। इसे मैंने 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पर पका लिया अच्छी तरह। माशाल्लाह ये चीज़ों वाला दूध हमारा कितना ही अच्छा बना है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, अब 2 मिनट के लिए ना ऐसे ही फेंट रहे ना इसे। माशाल्लाह चीज़ों वाला दूध हमारा कितना ही अच्छा बना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।